दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं फूडी छोरा। दोस्तों, हम आ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, एक ऐसी जगह जहाँ का चाइनीज फूड सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट आए हैं और आपने गुप्ता जी के चाइनीज फूड नहीं खाया तो आपने चाइनीज फूड ही नहीं खाया। आइए बात करते हैं और जानते हैं ऐसी क्या खास बात है गुप्ता जी के चाइनीज फूड में, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ चाइनीज फूड खाने आते हैं और यहाँ से ही खाना पसंद करते हैं। आइए बात करते हैं गुप्ता जी से और जानते हैं उन्होंने इस शॉप की शुरुआत कब से करी। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं गुप्ता जी से और उनसे जानते हैं कब से उन्होंने इसकी शुरुआत करी और कैसे उनकी जर्नी रही आज तक की। आइए बात करते हैं गुप्ता जी से। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं? बढ़िया, आई एम फाइन जी। हाँ जी, हमें तो कम से कम 15 से 20 साल हो गए दुकान लगाते हुए। पहले हम 5 रुपए का बर्गर बेचते थे ठेली पे लगा करके, उसे धीरे 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 आगे बढ़ाते बढ़ाते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी है सामने है। आप कंटिन्यूसली यहाँ पे 20 साल से ठेली लगा रहे हैं? हाँ, यहीं पे लगाते थे। अब ये दुकान लिए हैं करीब हमारे यहाँ से 7-8 साल हो गए दुकान लिए हुए, उसके पहले ठेली लगाते थे हम। और आज सब कुछ सारे आइटम है, आज ज़्यादा आइटम बन गए। पहले ओनली बर्गर बेचते थे, आज बर्गर रोल मोमोज पेटीज सब कुछ है। चाइनीज में आइटम है, सारे आइटम है, चिल्ली पोटैटो, सिंगापुरी चाउमीन, मंचूरियन, चिल्ली पनीर, बर्गर है, पेटीज है। गुप्ता जी मुझे बताइए, अगर कोई दूर से आना चाहे, हाँ हाँ जी, तो किस तरह से आ सकता है? मेट्रो से आना चाहता है तो बाबर मेट्रो स्टेशन है हमारे यहाँ पे, वहाँ से आप आ सकते हैं। इधर जाफराबाद से यदि मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ से भी आ सकते हैं, पास पड़ेगा। बाकी आप विक्टर स्कूल है चौक पे, मेन रोड है ना, वहाँ से आप आ सकते हैं, अंदर मार्केट में, मेन मार्केट में। शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। दोस्तों, ये थे गुप्ता जी जिनकी शॉप है, शॉप ऑनर, और उन्होंने हमें बताया कि 20 साल हो गए उनके सफर को और 20 साल से वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ही पहले बर्गर लगाते थे, अब वो सारी चीज़ें लगाते हैं। और अगर कोई दूर से आता है तो नियरेस्ट यहाँ पे मौजपुर बावरपुर मेट्रो स्टेशन है, उसके थ्रू वो यहाँ आ सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जब भी चाइनीज फूड खाने का मन करे, गुप्ता बेस्ट ऑप्शन है। जी ध्रुव। ध्रुव, अच्छा ध्रुव, ऐसा क्या खास बात है गुप्ता जी का फास्ट फूड में जो कि आप यहाँ से फास्ट फूड खाते हैं? जी टेस्ट है, टेस्ट है बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। और आप कब से खा रहे हैं? जी कई साल हो गए, कई साल हो गए। मतलब टेस्ट की वजह से ही आप यहाँ आते हैं? टेस्ट और एक क्वालिटी। क्वालिटी, नाम बताओ? उदय शर्मा। उदय शर्मा। उदय शर्मा, हाँ जी। अच्छा उदय, ऐसा क्या खास बात है गुप्ता जी के टेस्ट में जो कि डेली आप यहाँ से खाते हैं? जी यहाँ के जो ना जो स्पाइसी होते हैं, क्वालिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे जरा प्रायोरिटी देना चाहूँ तो मैं जल्दी पोटेटो में जो सॉस डाली जाती है उसकी बहुत क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा दोस्तों, हमने अपना फास्ट फूड ले लिया है, आप देख सकते हैं ये चाउमीन है। अब क्वालिटी देखिए इसकी, मतलब यार मेरे तो मुँह अभी से पानी आ रहा है। अब क्वालिटी देखिए वो चाउमीन की। आइए चाउमीन टेस्ट करते हैं, चाउमीन से शुरुआत करते हैं। लाइट है, ज्यादा हैवी मसाले नहीं है, बट इतनी टेस्टी है मैं आपको क्या बताऊं, एकदम बेहतरीन। दोस्तों यह है चिली पटेटो, अब देखो एक बार। तो चिली पटेटो ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं इसका। अमेजिंग, आने के बाद ही पता चलता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गुप्ता जी ऐसे ही फेमस नहीं है, उनके फास्ट फूड की जो क्वालिटी है ना दोस्तों, वो जो टेस्ट है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। दोस्तों ये चॉपस्टिक, अब देखिए। दोस्तों चॉपस्टिक ट्राई करते हैं। अच्छा दोस्तों, गुप्ता जी जैसे कि जाने जाते हैं गुप्ता जी बर्गर्स के लिए, तो आइए और आप बर्गर देखिए, फुली लोडेड है चीज और आलू टिक्की। ये देखिए,
आइए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है टेस्ट इसका। इतना टेस्टी बर्गर है मैं क्या बताऊं। दोस्तों गुप्ता जी का स्पिन रोल ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज्यादा टेस्टी हो आप आएंगे जब आपको पता चलेगा यहाँ के टेस्ट। तो बात करते हैं भैया से जो यहाँ डेली फास्ट फूड खाते हैं, यहाँ से चाइनीज फूड का अगर उनका जब भी मन करता है वो गुप्ता जी के पास ही आते हैं। आइए बात करते हैं भैया से और जानते हैं ऐसा क्या है गुप्ता जी के फास्ट फूड में जो कि वो यहाँ से प्रेफर करते हैं खाना। आइए बात करते हैं भैया, अपना नाम बताइए। मोहम्मद उमेर खान। मोहम्मद उमेर जी, उमेर जी आप गुप्ता जी के ही फास्ट फूड क्यों खाते हैं? इनकी जो चीज़ है मतलब बहुत ज़्यादा लजीज भी है, अच्छी भी है, मसाले बहुत अच्छे हैं और देखा जाए तो बहुत पुराने बहुत हैं। पुराने के हिसाब से हम जब भी आते हैं जो शुरू से आज तक हम यहीं से खाते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा मैटर करता है टेस्ट। टेस्ट का सबसे ज़्यादा मैटर करता है। टेस्ट ऐसी चीज़ है इंसान कहीं भी जा सकता है, सिर्फ टेस्ट के ऊपर ही जाता है। बिल्कुल, मैं टेंट वाले स्कूल से यहाँ पे आता हूँ स्पेशली लेने। बिल्कुल, घर के नहीं। चिल्ली पटेटो हुआ, चौमिन हुआ, बर्गर हुआ, कुछ भी हुआ मैं भैया के पास आता हूँ लेने। अच्छा दोस्तों बात करते हैं गुप्ता जी के साथ काम करने वाले भैया जी से और जानते हैं वो कब से गुप्ता जी के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं भैया, अपना नाम बताइए। राजू सिंह। अच्छा राजू जी आप कब से गुप्ता जी के साथ काम कर रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 साल से आप गुप्ता जी के साथ बर्गर बनवा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा लगता है बनाना? हाँ, बर्गर बनाता हूँ, स्प्रिंग रोल बनाता हूँ जी, चाउमीन वोमिन सब सारे। आप रेगुलर गुप्ता जी के साथ काम करते हैं? चटनी उटनी कारीगर हमारे यही है, चटनी सब बनाता हूँ। राजू जी एक तरह से गुप्ता जी की शॉप की मैनेजिंग करते हैं, सारा कुछ यही करते हैं, मतलब बर्गर बनाना, स्प्रिंग रोल बनाना, सारा कुछ काम इन्हीं का है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं गुप्ता जी के एक और रेगुलर कस्टमर से और जानते हैं वो कब से यहाँ चाइनीज फूड खा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। चंद्र प्रकाश कौशिक। अच्छा कौशिक जी आप कब से यहाँ पे गुप्ता जी का फास्ट फूड खा रहे हैं? फ्रॉम लास्ट वन ईयर से। ऐसा क्या खास बात है गुप्ता जी के चाइनीज फूड में जो कि आप यहाँ से प्रेफर करते हैं खाना? सर टेस्ट बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत, क्वालिटी अच्छी है। कौशिक जी का कहना है कि गुप्ता जी का टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही बेटर है, इसलिए वो यहाँ से ही जब भी उनका फास्ट फूड खाने का मन करता है वो यहाँ से आके फास्ट फूड खाते हैं। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी शुभम शर्मा साइनिंग ऑफ।